हे गाइस कैसे हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर, ये सौरभ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंडियन रिएक्शन बॉयज। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भी कोई जवान है भाई बोलना जिसको? शुक्रिया हो गया, धन्यवाद। फ्रेंच में एलवेत्र ऐसे कुछ बोलते हैं फ्रेंच के? ना तुम बता। उनकी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ऐसे जो जवान है ना आपस में वो हो जाता है ना, ऐसे कुछ एलवेत्र ऐसे करके कुछ घूम जाता है। रशियन लैंग्वेज बोलेगा ना भाई, जीप है ना इसका, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है उसको, बड़ा डिफिकल्ट है भाई रशियन लैंग्वेज। चाइनीज तो भाई लैंग्वेज तो भाई लैंग्वेज सबसे अच्छी है, पता क्यों? क्योंकि ना वो लिपि है ना उनकी, जो बताया गया था जहां मैंने सुना। अरे देखो लैंग्वेज ना बस अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का एक जरिया, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। हमने ये किताब में पढ़ा था, सबसे बढ़िया लैंग्वेज कोई नहीं है, सबसे बढ़िया लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज। किसी को पता ही चलेगा, जैसे हम दोनों मान लें अपने कोई, भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, किसी को भी पता ही चलेगा क्या बोल रहे हैं भाई। खैर वीडियो लंबी है, ज्यादा बात नहीं करते, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो के बारे में बता जल्दी थोड़ा। यार जो है ना कि हमने एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं लारी खाली मस्ती करते उनके साथ, एक और क्लिप है। पहले वाले क्लिप जब हमने अपलोड किया था तो उन्होंने बोला कि भाई इसके अंदर ज्यादा फनी मोमेंट नहीं है, तो प्लीज दूसरा वीडियो लेकर आए। तो आज हम फाइनली ये लेकर स्टार्ट करते हैं बिना देर, सब्सक्राइब कर दे इससे पहले, 1 2 3 एंड गो। लारिफ जी था? हाँ सर, मेरी पूरी नजर। कभी किसी टीम के लिए कुछ भी ना करा, ये इसके लिए ऐसे था, ये कहीं गिर ना जाए, मैं कहीं डाइव मार के पकड़ लूं। डाइव मार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, एंड लाइक शेयर कमेंट्स, शुक्रिया। लारिफ ये था सर, मेरी पूरी नजर। कभी किसी टीम के लिए कुछ भी ना करा, ये इसके लिए ऐसे था, ये कहीं गिर ना जाए, मैं डाइव मार के पकड़ लूं। आसिद इधर तो आओ, जरा मार्केट में माइक लेकर आना। तुम्हारे चक्कर में यहाँ किसी का दिल टूट रहा है, कोई खून के आंसू रो रहा है। कौन? इधर आओ। ये तुम क्या कर रहे थे? नहीं सर, उसकी बाल बार बार बॉल्स में लग रही थी और वो बॉल्स गिर रहे थे। अच्छा, तो वो उसका एक तरीकेकार था, पता है क्या? वो एक हाथ से बाल पकड़ती और एक हाथ से वो खेल रही थी। एक हाथ से पाइप पूरी तुम्हें बाल पकड़ने की क्या जरूरत? यहाँ लड़कियां भी थी, अपनी बाजी से बोल देते। ये थोड़ी सपोर्ट, तुम इधर आओ, मार्केट में आओ। तुम मार्केट में आओ। ये तुम्हारे दोस्त है? जी बिल्कुल। आंखों में चमक देख रहे हो, आंसू होगी? आंसू भाई है सर। नहीं वो तो है, लेकिन आंसू ये अरे असल में रो रहा है। चोट लगी है घर पे, तो रो क्यों रहे हो तुम? क्या नहीं, मेरी आंखें ऐसी हैं। आंखें रोती भी है तुम्हारी? भीगी भीगी आंखें, भीगी भीगी आंखें, भीगी पलके। बैठो यहाँ पर, चलो मियां साइड बैठो। सुना माहिंग के लिए पानी लेने गए थे, किसी के अरमानों पे क्यों छुरियां चलाई? ये बढ़िया है, वो सही है, ये भी गए थे पानी पिलाने दो। उससे पहले दानिश सर गिलास रखा हुआ था उसमें पानी की, था चलो आज से आपका नाम माज, आपका नाम माहीन। हाँ तो माहीन, मैं कह रहा था कि मेरा नाम शदा। क्या बोला? क्या मतलब? माज बोला तुमने, बोला माहीन। आप सर आपने इसको मार्केट में क्या बोला था आपने? बोला आपने बोला माहीन, आप इतनी क्यूट है। आपने माहीन का नाम लेके क्यों बोला? आपको तो पता है मजाक करो, इनका नाम माज है। तुम किन चक्करों में हो भाई? जीत जीत क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं होता। तो फिर ध्यान में टकता है इनका। आप कितनी क्यूट है माहीन? नहीं ये मास क्यूट है। मास क्यूट है? मास क्यूट। आज 25 साल हो गए खेलते हुए, जिंदगी में कभी तुमने मास की तारीफ नहीं की, आज करो मास क्यूट। जब मैंने बच्चे बाहर खेल रहे थे, तुम जो हो ना वो पूरी दुनिया को पता है क्या है। तुम क्या हो? कॉफीज पी पी के वीडियो बना रहे। चलो बैटिंग आ गई, जल्दी आ जाओ। नहीं माहीन की हंसने की क्या बात है, पगले रुलाएगा क्यों? हंस रहे हो नहीं क्यों? ऐसी तो मैं भी नहीं, ऐसी तो नहीं। इतनी मुस्कुराहट आ रही आंखों में, मुस्कुराहट। चलो जल्दी से, चार बोले हो गई, भूल गए थे, मैं याद दिला दूंगा। पांचवी बॉल, मुस्कुरा क्यों रहे हो? पांचवी बॉल, चलो ये। अरे
मुझे पता था ये बॉल ऐसी जगह करेगा कि माही ग्राउंड में और भाई वो इधर तो देखो मेरी आंखों में मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम भाई, इनकी शक्ल देखे, ये देखे भजन, ये देखे मुस्कुराते हुए, ये देखे जरा मुस्कुराती हुई शक्ल, चेक करें आप ये, चलो लास्ट बॉल, पता था मुझे इससे दो बॉलों में चार रन का उनको का बैट, अरे अच्छा बेटे बैट नीचे रख दो, उनको देने की क्या जरूरत है, अच्छा तुम बच्चे क्या बन रहे हो मेरे सामने, अब अगर तुम हारे आखिर में चार रन एक्स्ट्रा दिए तुमने, तुम चाहते हैं आराम से बॉल मिस करा सकते थे, लेकिन ये प्यार भाई ये जो आपके बराबर में रहते हैं ना, इनसे आपका मुकाबला, जिनपे आप गोल नहीं मारते, जिनके आप खुद ही हार जाते हैं, प्यार में हार रहे हैं, इतना शर्मा रहे हो तुम, है घर वाले तुम्हारे देख रहे होंगे ना गेम शो हमारा देख रहे हैं आप लोग, संभाल ये बढ़िया है, स्टेडियम क्या कर दूं मैं, माइक लेकर आऊं, माइक लेकर आओ, कुछ कह रहा है हमारा सर, मतलब वो वहाँ से छोटा स्टेडियम, मैं वो वाला भाई क्या बोल दिया सर, मैं बोल रहा हूँ वहाँ से स्टेडियम छोटा है, वो पीछे होगा थोड़ा सा, बात से तो स्टेडियम तुम्हें छोटा ही लगेगा, कुछ भी कर रहे तुमको बहुत दूर है, चलो जल्दी से छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू, कम्प्लीट करने से याद आया अभी ब्रेक में मैंने यहाँ कुछ देखा, बताऊं सबको क्या देखा, मेरे पास की वीडियो भी है, उधर से बन रही थी, मां काशिफ खड़े मोबाइल लेकर, आप बोले तो मैं चलाऊं, बस आ जाओ लारे, सब देख लिया है मैंने क्या बोला कुछ कर रहे थे, बात सिंपल सी बात यह है कि मैं ट्रिमर यही रखता हूं, सर, 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 और किसी वक्त भी किसी के बाल जो इतनी मेहनत हुई है ना बालों पे, ये एक मिनट में खत्म हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे यार किसी पे क्लिप पड़ा हुआ माइंड का लोग पकड़े जाते हैं रंगे हाथों, मिनट में पकड़ा है देखो नंगे हाथों, यही वो क्लिप है जो मैं ब्रेक के अंदर वहां से आया, मुझे किसी ने बताया कि देखें लारेब के साथ क्या हो रहा है और लारेब क्या कर रहे हैं, तो ये तुम किन चक्करों में, सिर्फ मुझे ये बता दो भाई, जो टीम पहला गोल कर देगी वो जीत जाएगी, रेडे माइनस टू के साथ, क्या बोला तुमने, माइक लेकर रहा ना, माइक ही बोला, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं चाहता हूँ तुम जो बोलते हो ऑडियो सुना करें, माइक लो, तो मैं आपको बता के बोलूं, हाँ भाई लारे साहब मैं कह रहा हूँ रेडी, और मेरे रेडी, और फिर ये गो, बोला गो तो उसका मतलब गो रेडी होना चाहिए हर वक्त, जब मैदान में आ गए हो तो मुकाबले के लिए रेडी, नहीं एक मिनट तुमने माइक लेकर आना, जरा माइक लेकर आना, क्या बोल रहा है, नहीं नहीं माइक माइक लो, मैंने बोला बड़ो के सिंगर बनोगे, कह रहा मैं बड़ो ही हूँ, मैंने क्या बोला सर, हरकत तो बहुत बड़ो वाली हो रही है तुम्हारी आजकल, मैंने कुछ बोला है, मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, सुन कैसे दिया मेरे कानों ने, कान बहुत तेज है मेरे, बहुत तेज हर चीज सुन लेते हैं, और आंखें तो उससे भी ज्यादा तेज है, शेर तो अभी तो अभी तो बैठी है, सिर्फ एक आउट हुआ है, इतनी खुशी, बच्ची को डरा दिया, तो माहिन रो रही है तुम्हारे चिखने पे, माए के बोला करो ना, क्या बोला तुमने, सर मैंने शाता जीतेगी ना तभी वो पंप, तुमने क्या बोला माहिन को, रोने दो, नहीं नहीं मैंने नहीं बोला वो कह रही अम्मी से और अब्बू से बात की, तुम रुला रहे हो, मैंने कहा रुलाया सर, अच्छा नहीं रुलाना नहीं चाहते, यही सुनना चाहता था, यही सुनना चाहता था, सर रुला खेल रहे हो ना तुम लोग, मैं देखता हूँ तुम लोगों को एलिमिनेटर से मिटा चौदह, चलो रेडी, नहीं माहिन माहिन बहुत सी आ रही है तुम्हें, तुम्हें इस बात कैसी आ रही कि मैं बाजी कर रहा हूँ, नहीं नहीं शाताज ने जोक, बाजी ही शाताज, नहीं नहीं शाताज ने जोक मारा, नहीं तुम्हारी बाजी, ये हैं तो शाताज ने जोक मारा, शाताज ने जोक मारा, करो आहिस्ता, लोगों को समझ में आए क्या बोल रहे हो, सर शाताज ने जोक मारा, क्या मैं हंसा, सर इनके ना शाताज तुम्हारी टीम में यही फंसवा देती तुम्हें, इनको आपस में फंसवा दो, चला दे, लाली दिखा, ओ ये दिया किसने तुम्हें, इधर आ जाओ, हाथ लगा दिया, यहाँ से हिलना नहीं तुम, लेकर आओ जरा मुझे, बोले ले आओ, क्यों खड़े हिलना नहीं, ये तुम्हें किसने दिया है, मम्मा ने, वैसे एक बात है शाताश तुम्हारी टीम में यही फंसवा देती तुम्हें, इनको आपस में लड़वा दो, चला आते, अरे नींद भी आ रही है इतनी, रात में सोए नहीं थे क्या,
रात में क्यों नहीं सोए? माइक लेकर आओ। बार बार माइक बोल जाते हैं, बीच में पकड़ लेते हैं खेलने के लाते। ये शाम के तकरीबन 7:30 बजे तुम्हें नींद क्यों आ रही है? नींद नहीं आ रही सर, फिर जवाइयां वैसे ही नेचुरल हो गया। नहीं, यौन तो ऐसे करता नहीं, रात में ही करता आदमी। कल रात कहाँ थे? सर मैं रात में रेस्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था मुझे, मैं इसीलिए जाग रहा था। झूठ तो सच्चा बोलो, झूठ तो सच्चा बोलो। हाँ सच्ची सच्ची सर। तुम्हारा फोन कहाँ है? बैग में। बैग में शहरोज, इसका कॉल रिकॉर्ड चेक करो, मुझे चाहिए लारेब का लाइव दिखाना है लोगों को मुझे आज। ओके ओके दिखा दो, ठीक है चलो आ जाओ, आओ जल्दी से, आज पूरी दुनिया देखेगी लारेब किस किस से बात की है, आओ जल्दी से। तुम तो बोलो ही नहीं मेरे सामने किसकी फरमाइश, या फरमाइश है मुझे पता है क्या क्या, पीछे जाओ। हाँ मुझे पता है तुम नहीं हो, हाँ मुझे पता है तुम जिस चक्कर में थे पीछे से घूम रहे थे वो मैंने देख लिया था। नाक में टक्कर मार दूंगा मैं डायरेक्ट। क्या आहिस्ता, हीरो कहीं और होंगे या नहीं हो, इस गेम शो में एक ही गुंडा और मैं हूँ, समझे? लेकिन फिर भी क्या बोला, क्या सर, क्या बोला सर, आराम से जरा मेरे साथ नहीं हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या पोल खुला है, और सच में यार पहले वाले से ये ज्यादा फनी है और बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये, काफी ज्यादा पोल खुला। आपने जो कमेंट करके बोला कि इतना फनी है, सही में बहुत ज्यादा है यार, वो नहीं ये वाले वीडियो, मतलब वो भी ठीक है अपनी जगह, वो भी ठीक है बहुत ज्यादा। हाँ भाई पोल खोल दिया इन्होंने, राजेश भाई ने तो भाई जम के मजे लिए, पीछे माइंड रस रही थी बहुत है। मुझे लग रहा है अगर ये यूट्यूबर्स में ना, यूट्यूबर्स खा रहे तो दो और शायद ओ अभी ये यूट्यूबर्स में पहले नहीं। हाँ पहले मुझे लग पीटा होगा तुम्हारी मुझे समा रहे। ये थी मजे की बात, और थैंक यू सो मच, आपने बताया कि दूसरा भी लिखा है, तो ये दूसरा टीजिंग मोमेंट और भी लाते रहेंगे जैसे जैसे हमारा आप कमेंट करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार जरूर बना कर रखिए हमारे चैनल पे, और कमेंट करते रहिए, और यार सब्सक्राइब कर देने ऐसे सैड में होगा कहीं पे, कहीं ना कहीं तो आसपास, तो जरूर लास्ट में सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।